हेलो फ्रेंड, दिस इज मैसिव फिटनेस और आज मैं आपके लिए आया हूँ फिर से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है फिश ऑयल। अब फिश ऑयल क्या होता है? फिश ऑयल होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारे क्यों ज़रूरी है, है ना। अब हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, जो आपका ब्रेन होता है, ब्रेन और आपका हार्ट दोनों की जो हेल्थ होती है वो किससे सही होती है? आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड मतलब फिश ऑयल से। अगर आपको ब्रेन अच्छा करना है या आपको अगर आप चाहते हो जो आपका अभी तो हार्ट एकदम प्रॉपर काम करेगा, अगर आपको आगे चल के हार्ट अटैक ना आए, है ना, अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो आप अभी से अपनी डाइट में क्या करो, ओमेगा 3 फैटी एसिड या फिश ऑयल आप ऐड कर लो। अगर आप डेली बेसिस पे देखो मतलब, तो आप कितना खा सकते हो, 250 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम तक इनटेक कर सकते हो, है ना। अब इससे ज़्यादा लोगे तो आपको और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो मैं आपको ये कहूँगा आप 250 ग्राम से लेके 500 मिलीग्राम तक लो। ये क्यों लेना आपको, क्योंकि ये आपकी, आपको मैंने बताया ब्रेन हेल्थ और वो तो है ही, पर साथ ही साथ जो आपका मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है या आपका जो मतलब फर्टिलाइजेशन का जो सिस्टम होता है इसी पे डिपेंड करता है। आप इसको इनटेक करो, क्योंकि हमारी डाइट में क्या रहता है, ओमेगा 3 नहीं होता है, है ना। ओमेगा 3 को क्या करना होता है, अपन को बाहर से इनटेक करना रहता है। अब आप फिश वगैरह भी लेते हो, अब वैसे तो डॉक्टर ने तो यही कहा है कि आपको 500 मिलीग्राम रोज लेना है, लेकिन आप इतना नहीं ले पाओगे, तो आप फिश से आप सोच रहे हो कि आप फैटी फिश ले लो, चाहे आप सीड्स ले लो या वॉलनट्स ले लो, मतलब इन चीज़ों के अंदर रहता है ओमेगा 3, लेकिन आप क्या उतनी मात्रा में नहीं ले पाओगे, जिस कारण आपको क्या करना रहता है, किससे लेना होता है, फिश ऑयल का जो कैप्सूल होता है। अब बहुत सारे कहेंगे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, ये नहीं ले पाऊँगा, वो नहीं लेगा, लेकिन ये समस्या ये आगे चल के उन लोगों को भी सामना करना पड़ेगा, है ना। आपको फिश ऑयल अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि अपनी डाइट में क्या है, ओमेगा 6 तो रहता है पर ओमेगा 3 रहता है, बट इन दोनों का बैलेंस जो होता है डाइट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो, आप गुड हेल्थ के लिए चाहते हो, या फिर जो फैट लॉस वाले बंदे हैं, है ना, जो फैट लॉस करना चाहते हैं, उनको भी अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जो आपके आर्टरीज के बीच मतलब जो आंतों के बीच में जो फैट होता है ना, वो इसी से जो आपका जिद्दी फैट भी कहते हैं बहुत सारे लोग, है ना, तो उनको ऐड करना चाहिए। जो आपका एक्स्ट्रा फैट है तो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है, तो ये आपका फैट लॉस में मदद करता है, ब्रेन हेल्थ में मदद करता है, आपके हार्ट हेल्थ में मदद करता है। और आपकी जो एज होती है, जैसे कि आपका एज का जो फैक्टर रहता है, जैसे कि आप 40 के हो, है ना, आप 50 के दिखने लगे हो, है ना, तो उसमें ही मदद करता है। जो आपकी क्या जो एज होती है ना, उसको भी रिड्यूस करता है। मतलब कैसे करता है, जैसे आपका 40 के हो, आप अगर प्रॉपर आप वर्कआउट डाइट प्रॉपर फॉलो करते हो, तो आपकी जो एज होती है ना वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपको ये फिश ऑयल अपना कंज्यूम करना चाहिए डेली डाइट में, है ना, कि आप उसको मेजर करना कि आपको 500 mg तक आपको डाइट में आपको फिश ऑयल ऐड करना है। और आप फिश ऑयल को आप कैसे पहचान सकते हो, उसमें क्या रहता है, आपको EPA और DHA, है ना, ये दोनों चीज़ें हैं, इसको आपको जो आपका लेवल आता है ना, आपको फिश ऑयल जब भी लो तो उसमें मेंशन रहता है कि वो कितने mg का है, तो आपको वो 300 mg पर डे लेना है, है ना, तो उसको देख के आपको फिश ऑयल लेना है। मैं आपको कोई ब्रांड सजेस्ट नहीं कर रहा, कोई भी ब्रांड का हो, चाहे HK विटामिन्स का हो, चाहे आप मतलब ऑन न्यूट्रिशन का हो, तो आप किसी का भी लेना, पर उसमें EPA और DHA जरूर मेंशन रहता है, उसको आप देखना कि इसमें कितना है, 300 mg होना चाहिए, है ना। तो ये आप इस तरीके से ले सकते हो, और आपके मैंने बता ही दिया फिश ऑयल क्या काम करता है ना, तो इसको अपने डाइट में ज़रूर ऐड करो, और आपके अच्छी हेल्थ के लिए, आपके जो बोन्स वोन्स बहुत सारे जो आपके जॉइंट्स रहते हैं, उसके जो फ्लेक्शन का मूवमेंट होता है, है ना, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके जॉइंट्स में साउंड आता है, किसी किसी में कट 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 ऐसा आता ना, तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल है, है ना। तो अच्छा लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।